ओए ध्यान से, सारा सामान ध्यान से, अरे ध्यान से उतार सारा सामान, जल्दी आ जल्दी। हेलो, मीरा रोड के आगे हथियारों की तस्करी हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसे माल उतार रहे हैं, आओगे तो पकड़ सकते हो। बोलिए सर, मेरी बात सुनिए, आपके माल उतारने की खबर कोई पुलिस को दे रहा है। ए धर्मा, माल उतारने की खबर किसी ने पुलिस को दे दी है? पुलिस का फोन आया तो यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे जल्दी। अरे वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ उसे, दो कैब से बाहर मत निकलने देना, कब तक साला को ही जल्दी संभालना, माल ला जल्दी। करोड़ रुपए का माल, इतने लोग सांड की तरह यहाँ पर खड़े हैं, इसी भरोसे पर तो मैं आराम से सोया था, उसे जी भर देखकर उससे मार खाकर यहाँ मुंह छुपाने चले आए। नहीं भाई, माल तो पहले से ही उतार दिया था, लड़के थोड़ा घबरा गए थे इसलिए। क्यों घबरा गए थे? मुंबई की सरहद से लेकर अलीबाग तक पूरे 150 मील तक फैला समंदर हमारे कंट्रोल में है। कौन है रे वो? उस अकेले ने 10 आदमी को मारा है, वो वाशी वाला डेविड ही होगा भाई। तुम्हें कैसे मालूम? उसने पहले भी हमसे छुपाकर 2 बार मीरा रोड पर माल उतरवाया था, इसीलिए डाउट हो रहा है उस पे। उसे छोड़ना मत, टपका दो, दूसरों में भी उसकी मौत से डर पैदा हो, इतनी बुरी तरह मारना। बोला बता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो तू रात को कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुझे बताने की जरूरत नहीं तो तुझे जिंदा रहने की जरूरत। ऐसे पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक दे। भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मुझे छोड़। ओए ये सहाय कौन है कि मुंबई को पता चलनी चाहिए, जा जो देखा सबको बता। आगे फेंक दे इसे, फेंकना। क्वेश्चन पेपर किसी ने आउट कर दिया सर? सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं ठीक से लगा कर गया था सर, लेकिन यहाँ तो सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं।
कहाँ है वो नॉनसेंस? गो 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 गो। क्या है बे, कुत्ते को लेकर अंदर आ गया? अरे यही कुत्ते जिसने क्वेश्चन पेपर चुराया ना, उसकी गंध पहचान कर पकड़वाने वाले। क्या कहा? ये उसे पकड़वाएंगे तो क्या, तेरी तरह किचन में जाकर बीड़ी पिएंगे क्या? साले नशेड़ी कहेंगे। लेकिन ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सर जी, कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। टेंशन मत दो सर, चलो चलो, कम ऑन जॉनी, लेट्स गो ऑन सच द सेफ। गो 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 गो। मुझे डाउट हो रहा है, ये कुत्ते पकड़ पाएंगे भी या नहीं? अच्छा बता, लुंगी के नीचे तूने चड्डी पहनी है क्या? नहीं पहनी, क्यों? तो फिर पीछे आ जा, जॉनी को डाउट हुआ तो लुंगी भी खींच लेगा। जॉनी जॉनी जॉनी, सुसु करने जा। मुझे लगता है तुम्हारे कुत्तों को सुबह से भूख लगी थी, टॉयलेट की जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे एनिमल वेलफेयर वाले भले पकड़ के ले जाए, लेकिन इन तीनों कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, इन सबकी वाट लगा दूंगा। अबे यार, दो ही कुत्ते तो अंदर गए हुए हैं, अबे तीसरा तो वही है, बोल बोल कर कुत्तों का मुंह आउट कर दिया। अरे रुक जा, एनसीसी मास्टर को बुलाओ यहाँ। अरे सामने से तेज चल। सर, हेडमास्टर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। टेढ़ी मूंछों वाला एनसीसी मास्टर यहाँ आ रहा है, वो पता लगा लेंगे क्या? मिलिट्री वाले भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स तो कम नहीं हुए हैं, स्कैनर भी ऑन नहीं हुआ है, जेरॉक्स से कॉपी भी नहीं की, हाथ से लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो लिया होगा। फोटो या वीडियो क्यों लेगा, ये ताजमहल या दिल्ली का लाल किला है क्या? मैडम, न्यू पेपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? इनको साड़ी पहनने में लेट होता है, बाकी सब तो फटाफट। एक घंटा लगेगा सर। प्लीज प्रोसीड। सर, आप पुराने पुलिस वाले जरूर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे सीरियसली काम कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर निकाल कर फ्रेंच दाढ़ी वाले फिजिक्स टीचर के न्यूज़पेपर में घुसा देता हूँ, आप ढूंढने का नाटक करना, फिर ढूंढ लेना। क्यों मक्खी? मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप मुझे बियर दिलवाना। एक कड़क थप्पड़ मारूंगा ना तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके आप गोटियां खेलेंगे क्या? नहीं के, मैंने कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सीधे जाकर मदन लाल रोड वाले भजन लाल के भाई कीर्ति लाल की बेटी पिंकी लाल को पटाकर पटाकर पूरी ताकत से एक हफ्ते तक बिना खाए पिए दिन रात सोए बिना मैं अपने दांत ब्रश कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर गायब हो गया, उसमें तो ये टेढ़ी मूछ ऐसे खड़ा है जैसे खेत में बिजू का खड़ा हो। मर्डर केस होता तो ये कपड़े फाड़ कर सलमान खान बन जाता। बाल इतने लंबे लंबे क्यों बढ़ा रखे हैं? वो सर, कल छोटे करा लेना। जी सर। सर, आप क्वेश्चन पेपर के चोर को पकड़ने वाले थे ना, क्या लंबे बाल बिना नहाए ब्रश ना करने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं? हाय सानिया। हाय। एग्जाम की तैयारी हो गई? प्रैक्टिकल्स है ना, उसकी पढ़ाई तो कल ही कर ली थी। सानिया, काम्या, मी। सर, ये जगत राज की भतीजी है, अगर इस पे शक किया ना तो अपने जूते अपने ही सर पे मारने पड़ेंगे। क्या बात है, आज चश्मा पहन के आई हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं खो गया है, ऑर्डर किया है। क्यों सर, स्कूल में चश्मा पहन कर आना गलत है क्या? क्वेश्चन पेपर चुराना गलत है। मी? क्वेश्चन पेपर? यस्टरडेज मैटर सर, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सर, हाउ कैन हे यू सी समथिंग? ऑलरेडी मैंने आपके बारे में इनको बता दिया था मैडम। ऑफिस में चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेते वक्त तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर गया था। ये मेरा नहीं है सर। ए, ये बॉशन लॉम है, -0.75, शॉर्ट साइटेड, 15 डेज वंस यूज एंड थ्रो कैटेगरी। ये तुम्हारा यूज किया हुआ लेंस है, मैंने करण ऑप्टिकल से कंफर्म कर लिया। कल चार पैर ऑर्डर किया था ना, ये रही उसकी ऑर्डर कॉपी। सॉरी सर। यही तुम्हारी पढ़ाई है क्या? कंप्यूटर साइंस की मैडम ने पूरी क्लास को धमकी दी थी कि वो सारे बच्चों को एक साथ फेल कर देंगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि डोंट गिव सिली एक्सप्लेनेशंस, तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी होगी। हेडमास्टर से कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, टीसी कटवाऊंगा तुम्हारी। सर, अगर मेरी यहाँ की नौकरी छूटी ना, मैं रेलवे स्टेशन पर टीसी बन जाऊंगा। शट अप। मैम, 20 सेकंड। सानिया के पुराने रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। ओके सर। दो थप्पड़ मारते तो भी चलता, पर सबके सामने मुझे पनिश करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ए सानिया, लगता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह नो। 12th स्टैंडर्ड सानिया, कम फॉरवर्ड। सानिया, काम्या,
स्टूडेंट्स, आज सानिया का बर्थडे है, सभी विश कीजिए इसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सर, लड़की की जगह कोई लड़का होता तो आप उसकी बैंड बजा देते, लेकिन गुलाब की कली जैसी सुंदरी थी इसलिए हैप्पी बर्थडे गवा कर छोड़ दिया है ना। क्या बे मक्खी, पनिश करने के लिए रिकॉर्ड निकाला था, तब मुझे पता चला कि आज उसका बर्थडे है, कैरेक्टर अच्छा है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है ना। चोरी करना गलत है तो चोरी करवाना भी गलत है। उस लड़की को सजा दी तो टीचर को भी देनी पड़ेगी। उसका बर्थडे था इसलिए पीरियड टाइम पर सबसे उसे विश करवाया। अब तू वो सब छोड़, ये बता बोट चलाना कब सिखाएगा और अपना एरिया कब घुमाएगा। सर, उसमें देखना दिखाना क्या, स्विट्जरलैंड है क्या? जिधर भी नजर घुमाओ टूटी फूटी बोट दिखाई देगी, कब्रों में पांव लटकाए दो चार बुड्ढे भी दिखेंगे, समंदर किनारे नमक दिखेगा, सड़ी हुई मछली की बदबू आएगी। सर, यही है हमारा एरिया, संभल कर पैर के नीचे कुत्ते का केक आ जाएगा। सर, वो सुकड़ा बम्बू काला टकला दिखाई दे रहा है ना, वही है सहाय। ये पत्थर बांधकर समंदर में फेंक कर मारने की टेक्निक इसे नहीं जाती है सर। ये सब किसकी हिम्मत से कर रहा है भाई? ये सर बहुत बड़ा आदमी है, पूरे मुंबई की नमक का किंग है वो, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दबाकर अपने बगल में घुसा के रखा है सर। लेकिन इनको भी डरा कर रखने वाला एक आदमी है सर, जगत राज। कौन है ये जगत राज? हमारे स्कूल में हैप्पी बर्थडे वाली वो गुलाब की कली है ना, सानिया, उसका चाचा है सर। शिप कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे बिजनेस है सर, लेकिन आदमी सीधा है, आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं करता है। टाइम्स अप, एक घंटे तक आप कोई डिस्टर्ब मत करना। सर, सेंटर मिनिस्टर। क्या हुआ जगत राज, सुबह सुबह वॉकिंग में डिस्टर्ब कर दिया क्या? नो नो सर, इट्स ऑल राइट। वाशी और बेलापुर के बीच एक नया हार्बर बनाने का प्रपोजल आया हुआ है, 6 महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक काम करो, रेट कम रहते ही उस एरिया में 500 एकड़ जमीन ब्लॉक कर दो। ये कौन है यार? सभी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये आदमी उल्टा वॉक कर रहा है। सर, भाई यही वॉकिंग कर रहे हैं। सर, हम लोग निकल लेते हैं, भाई और जगतराज सामने सामने, पंगा कंफर्म है। साला कस्टम ऑफिसर है तो क्या किसी भी जहाज में घुस जाएगा? अरे इसे समुद्र में मार के फेंकने के लिए मैं भाग आ रहा था, आपने इसे सबके सामने मार दिया। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे? साला इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोले? माँ, बेटा खाना खाया? हाँ खा लिया माँ। काम के लिए मुंबई गए हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो आ सकता है ना? थोड़ा काम में बिजी हूँ माँ, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देख के, अपने माँ बाप से मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा। सुनिए जी, बात कीजिए। कौन है? सूर्या, आपका बेटा। कोई बात नहीं, फिर बात कर लूं। बात कीजिए ना। क्या हो माँ, पापा है? हाँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं रखता हूँ। अपने बेटे से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बात कर लूंगा। तेरी माँ का साकिना का। तुझे साकिना का क्यों जाना है, मुझे अच्छी तरह मालूम है बलबीर पाशा। वो सब छोड़ बे, तू इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या करूँ यार, स्कूल में एक भी ढंग का टीचर है ही नहीं। किस टीचर की बात कर रहा है बे? वो जो इंग्लिश वाली टीचर है ना, वो समझ में नहीं आता यहाँ ग्रामर पढ़ाने आती है या ग्लैमर पढ़ाने के लिए। उसके ब्लाउज का पीछे वाला जो छेद है ना, वो मेरे घर की खिड़की से भी बड़ा दिखता है। तो बाकी के टीचर? वो बदतमीज हिंदी का टीचर,
वो आधा पागल केमिस्ट्री का टीचर और दिमाग का दे इतिहास का टीचर। पूरा स्कूल ही वेस्ट है क्या? झिंगुर मुंह का ढक्कन बनकर, स्कूल कैसे वेस्ट हो सकता है? कुल मिलाकर 16 एकड़ है, उसमें बिल्डिंग 2 एकड़ है, बाकी का 14 एकड़ जो है उसे अलग करके बिल्डर को बेच देंगे, फिर हम दोनों को 6-6 करोड़ मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ से भागकर अंडमान निकोबार चले जाएंगे, वहाँ खुद का आइलैंड खरीदेंगे, बिता सकते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते हैं। अब हमें स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, इसलिए सीरियसली डिस्कस कर रहे थे सर। जो हम सब की बुराइयां कर रहा था ना इस माइक के जरिए, हम सब सुन रहे थे। हम सब बहरे लगते हैं, ये ऑन लगता है, साफ करते समय ऑन हो गया होगा। अबे खुसट लंगड़े गधे, मेरे कंधे पर बंदूक रख के फंसा दिया। तू हमेशा की तरह बाहर निकल जा। नहीं सर जी, हमेशा की तरह आप मुझे माफ कर दीजिए सर। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्यात्रा मैडम, त्वमेव त्वमेव देव, त्वमेव सर। आप कट्टी सस्ती पहनते। पीछे मुड़। सर हाउ आर यू मिस्टर सिंघम, क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूँ सर। हम जैसा सोच रहे थे वहाँ हथियारों की तस्करी नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और SI प्रमोट हुआ था। हरि पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने के तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ शादी के बाद की लाइफ कैसे चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया, पर हम मुझसे बात ही नहीं करते। I'm sorry, Singham. It's okay, sir. Thank you, sir. सर, आप स्कूल के बच्चों को बाया मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बाया मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? है? वो भी ना मक्खी है। वो NCC का कमांड होता है। कमांड होता है। रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, देर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मूर्खा बनाया? क्या बे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो। क्यों रे? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता। ये था, ये था, या फिर ये था? ये था क्या? टीचर पापा। मैं तू उधर जा। तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मूर्खा बनाया तूने। स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ जाओ जल्दी अपनी क्लास में जाओ। जल्दी जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अबे तूने किसके हाथ उठाया? बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, बाहर निकल जाओ। कहा ना मैंने? ओए रोड लगी आ रे। हेलो पुलिस स्टेशन। और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं, और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा।
माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसान हो तुम? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होती पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर, इतने बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब ताले चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए या फिर एनसीसी बटालियन के कमांडेंट चीफ ऑफिसर। तुम चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठो। ए आग की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ। अरे तूने जानबूझकर किया है, एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुको भैया। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। सर। हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सलूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटर रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी है सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता, मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे पांडे जी, गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ काव्या? तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी हलचल लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके डैडी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो? क्या बोलूं, को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी, ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों, फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए, आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हैं? वो सभी शांत बैठे हैं ना, इसलिए फिलअप करने के लिए। दीदी जी, जो आइडली क्यों खड़े हैं? कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है। पता नहीं मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। देखो तुम, डोंट मेक मी फूल। सूर्या तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे, कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। माँ मोबाइल से सारा लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ले लीजिए। बस मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दमाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था, इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं, आप लोग यहां तक आए बहुत धन्यवाद। माँ
माँ मुझे नाराज हो आप? किसी ने भी साथ नहीं दिया तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? बस कुछ दिन और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अजोगे? थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास यार? इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर ली है सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा, और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी पीठ को निचोड़ दूं, पीलू जीलू। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय, क्या हुआ काव्या? तुम यहाँ? I didn't expect you to. वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो? जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? Because I love you. I love you so much. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव देव मम देव। दूसरी बार बोल रहा हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव देव मम देव देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। भाई हम लोग तैयार हैं, रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया।